अरब के दारुल हुकूमत रियाज में RCA और EPCA के दरमियान इंटर सिटी 2020 मैचेस RCA के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेले गए। मैचों को देखने के लिए तमाशाइयों की बड़ी तादाद मौजूद थी। अच्छी बॉलिंग और शानदार बैटिंग पर शायकीन क्रिकेट ने बंगड़े डालकर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। EPCA के सदर फरहत महमूद ने कहा कि रियाज क्रिकेट एसोसिएशन जिस लगन, मेहनत और जज्बे के साथ क्रिकेट को फरोग दे रही है, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। ये कॉम्पिटिशन 35 साल से चल रहा है, माशाल्लाह। मुझे बहुत खुशी है, EPCA काफी माशाल्लाह चार टीमें लेके आई, चार मैचेस चल रहे हैं इसके। रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के CEO और सऊदी अरब के मारूफ ऑलराउंडर नदीम बाबर ने अच्छा खेल पेश करने पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि रियाज समेत पूरे सऊदी अरब में क्रिकेट को फरोग देने के लिए रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के पार्टनर इन चीफ प्रिंस अब्दुल अजीज बिन नासर बिन अब्दुल अजीज की कोशिशें नाकाबले फरामोश हैं। रियाज क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर नासर अब्बासी ने कहा कि रियाज क्रिकेट एसोसिएशन और EPCA के दरमियान इंटर सिटी मैचेस क्रिकेट को फरोग देने में एक पुल का किरदार अदा कर रहा है। बड़ा हिस्टोरिकल इवेंट है, 1985 से ये खेला जा रहा है होम एंड अवे बेसिस पे, जिसमें चार टीमें RCA की होती हैं, चार EPCA की, और इसमें भरपूर मौका मिलता है जो हमारे अपकमिंग प्लेयर्स हैं उनको हाईएस्ट लेवल पे परफॉर्म करने का। तकरीब से आफताब निजामी, ताहर करामत, खावर अब्बास, इम्तियाज अहमद और दीगर ने भी दोनों टीमों के दरमियान इंटर सिटी मैचेस को खुश आइंद करार दिया। तकरीब के आखिर में रियाज क्रिकेट एसोसिएशन की जानिब से फातिहा और रनर अप टीमों और इवेंट में आला कारकर्दगी के हामिल अफराद को यादगारी शील्ड्स, ट्रॉफियां, मेडल्स और नकदी इनामात भी दिए गए।